तो हे मेरा नाम है प्रवीण और मूवी चॉइस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट एडल्ट मूवी के बारे में, जिसे देखने के बाद आपके दिन मन में आग लग जाए। और इन मूवीज की खास बात यह है कि ये आपको ऑफिशियली हिंदी डब में मिल जाएगी, तो हाँ आप लोगों को सबटाइटल वाली टेंशन लेनी नहीं है। तो हाँ कृपया आप अपने ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि आपको घर वालों की चप्पल भी खानी पड़ सकती है। और एक बात, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 लव एंड अदर ड्रग्स, जो कि 2010 में आई थी। ये एक कॉमेडी रोमांस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 रेटिंग मिली। स्टोरी है जेमी नाम के एक लड़के, जिसे जॉब से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने मैनेजर के गर्लफ्रेंड के साथ ही गुलू गुलू कर लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। जिसके बाद वो मजबूरन मेडिकल स्टोर में जॉब करने लगता है, और उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक ब्यूटीफुल वुमन यानी मैगी से, जो कि एक पार्किंसन नाम के एक डिजीज से गुजर रही होती है। ये एक तरह का ब्रेन वाला डिजीज होता है जिसकी वजह से इंसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके मूवमेंट, मेंटल हेल्थ, स्लीप, पेन और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज। जेमी और मैगी, इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों वो सारी चीजें करते हैं डिजायर्स वाले। हाँ वही सारी चीज। तो क्या होगा आगे, क्या ये दोनों एक साथ होंगे या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी करीब 1 घंटे 52 मिनट की। तो हाँ आप इसे चाहे तो Amazon Prime या फिर Netflix पर देख सकते हैं, वो भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ। नंबर 2 द नियॉन डेमन, जो 2016 में आई थी। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली है। स्टोरी है जेसी नाम की एक 16 साल की लड़की, जो कि एक मॉडल बनना चाहती है, और वो अपनी करियर की शुरुआत करने के लिए लॉस एंजेलिस चली जाती है। वो फैशन इंडस्ट्री तो ज्वाइन कर लेती है, पर उसे उस फैशन इंडस्ट्री के डार्क रियलिटी के बारे में पता नहीं होता है। फिर जो उसके साथ होता है जिंदगी में, तो आखिरकार उसके साथ क्या होता है लॉस एंजेलिस में, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के विजुअल्स काफी अच्छे हैं। मूवी हॉरर होने के साथ साथ एडल्ट भी है, तो हाँ देखने में मजा भी आता है। ये मूवी करीब 1 hour 58 minutes की है। तो हाँ आप इसे चाहे तो Amazon Prime या फिर Netflix पे देख सकते हैं, वो भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ। और हमारे सबसे पहले यानी नंबर 1 पे आती है डाउन बाय लव, जो कि 2016 में आई थी। ये एक थ्रिलर रोमांस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिली है। स्टोरी है एन्ना नाम की एक लड़की की, जिसे किसी जुर्म की वजह से 9 सालों का जेल हुआ है। वो उस जेल में एक कैदी होने के बावजूद भी उसे उस जेल के गवर्नर से प्यार हो जाता है। फिर और क्या, ये दोनों वो सारी चीजें कर जाते हैं जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक कैदी से प्यार करने के बाद उस गवर्नर को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, आखिर क्या होगा इन दोनों का आगे, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में कई सारे बेहतरीन सीन्स हैं जो कि आपको पूरे मिलेंगे। तो हाँ मूवी करीब 1 घंटे 50 मिनट की है, तो आप इसे चाहे तो आराम से देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कॉमेंट कीजिए कि इसका पार्ट 2 चाहिए या फिर। तो फिर मिलते हैं, ओके बाय।